Hello friends, welcome to Triple C Online. Please hit that like button and subscribe to the channel. Hello students, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2. क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिए. फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट में क्या करना है आप लोग को, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन दिया गया है ये किस तरह का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है आपको, इसे किस मेथड से सॉल्व करना है, मेथड का नाम मेंशन किया गया क्वेश्चन में, फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड आपको बताया गया है कैसे सॉल्व किया जाता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके. क्लियर स्टूडेंट्स, मिडिल टर्म को क्या करेंगे हम लोग, स्प्लिट करेंगे. किस तरह से करते हैं वो देख लें. माइनस 10 एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पावर के डिसेंडिंग ऑर्डर में है. क्लियर स्टूडेंट्स, पावर 2, पावर 1 एंड नो पावर, दैट मीन्स 0. ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसे अरेंज करने की जरूरत नहीं है. अगर क्वेश्चन में ये अरेंज नहीं है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे. ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0 के फॉर्म में अरेंज कर लेंगे. तो ये पहले से अरेंज है, अब हमें क्या करना है, इसका जो कांस्टेंट टर्म्स है दैट मीन माइनस 10 और फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर, इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या पाओगे, माइनस 10 एक्स स्क्वायर. ठीक है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला हमें, माइनस 10 एक्स स्क्वायर. ये माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि जो मिडिल टर्म को आप स्प्लिट करोगे उन दोनों टर्म्स में आपस में क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा. क्लियर, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे पॉजिटिव आता, पॉजिटिव, तो क्या करना होता, उन दोनों में एडिशन. जो भी यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे उसमें क्या होता फिर, एडिशन. किस केस में, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे प्लस में आता. बट आया क्या है अभी स्टूडेंट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है तो माइनस 10 एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स माइनस. तो अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट किया जाए, इसका क्या रूल है, जो भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू पाते हो, जैसे यहाँ पे 10 है, इसको फैक्टराइज कर देंगे. फैक्टराइज करने के बाद दो पेयर बनाएंगे उन फैक्टर्स का. ठीक है, तो अब यहाँ पे 10 का तो सिंपल सी बात है, 2 और क्या मिल रहा है, 5, 2 5 जा 10 मिल रहा है. अब यहाँ देखो इन दोनों में हमें क्या लाना है, 3, तो 5 में से 2 माइनस होने पे 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा. तो एक हमारा टर्म बनेगा 5x, दूसरा बनेगा 2x, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 10x स्क्वायर. अब डिपेंड करता है कि किसे हम प्लस दें किसे माइनस दें, क्योंकि जब साइन डिफरेंट होंगे तो ही सब्ट्रैक्शन होगा. तो साइन यहाँ पे किसको हम दें प्लस और किसको माइनस, तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ साइन क्या है स्टूडेंट्स, माइनस. तो जब दो एल्जेब्रिक टर्म्स में सब्ट्रैक्शन हो और रिजल्ट माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स बड़े वाले वैल्यू का क्या है साइन, माइनस. तो यहाँ पे हमारा ये साइन क्या होगा, माइनस होगा और ये क्या होगा, प्लस. अब देखो रिजल्ट, आप माइनस प्लस माइनस ये आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे जो हमें था वैल्यू आ रहा है, और माइनस 5x में से प्लस 2x को सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, माइनस 3x. सो क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो मिडिल टर्म स्प्लिट हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0. आई होप क्लियर है स्टूडेंट्स, आगे और भी डाउट्स क्लियर होंगे अगर कुछ ऐसे डाउट रहे तो. अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10, अब ये जो दो दो पेयर बने हैं इसमें से आप कुछ देखो कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, इसमें से क्या कॉमन निकल सकता है, x. क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 5, इन दोनों में क्या कॉमन है, प्लस 2. क्या बचेगा यहाँ पे, x माइनस 5 इक्वल टू 0. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो जब आपने इससे कॉमन निकाला है x, तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 5, यहाँ पे 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा, x माइनस 5. अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम है दैट मीन्स आपका सॉल्यूशन सही चल रहा है. अगर आपका ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट डिफर है, दोनों अलग अलग है, इसका मतलब आपने कहीं मिस्टेक किया है. तो मिस्टेक को आप चेक करेंगे कहाँ मिस्टेक हुआ है. ठीक,
बट हमारा क्या है एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव दोनों सेम आ रहा है स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ सोल्यूशन सही चल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइव कॉमन, एक्स माइनस फाइव कॉमन, क्या बचेगा इसमें, यहाँ से एक्स माइनस फाइव कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचेगा हमारा एक्स और यहाँ पे प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो ये एक्स माइनस फाइव एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्लियर है फैक्टराइजेशन क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या करना था, सॉल्व करना था ना, यानी हमें x की वैल्यू चाहिए, केवल फैक्टराइज करके छोड़ना नहीं है स्टूडेंट्स, फैक्टराइज तो किया हुआ है अपने क्लास 8 9 से सीखा हुआ है, बट फैक्टराइज करने के बाद इसकी वैल्यू भी निकालनी है। अब देखो यहाँ पे x माइनस फाइव और x प्लस टू इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है जीरो। तो जब दो नंबर यानी a इंटू बी इक्वल टू जीरो कब पॉसिबल है, दो नंबर का प्रोडक्ट कब जीरो पॉसिबल है, जब इन दोनों में से या तो a जीरो हो जाए तब हम लिखेंगे जीरो, या तो बी जीरो हो जाए तब लिखेंगे हम जीरो, क्लियर, या तो दोनों जीरो हो जाए तो भी क्या लिखेंगे हम जीरो, पॉसिबल है। तो अब हमें तो नहीं मालूम है, नहीं मालूम है ना कि कौन जीरो है, तो अगर ये जीरो होगा तो मल्टीप्लाई करने पे क्या देगा रिजल्ट जीरो। इफ एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव, इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू 5 रखने पे ये टर्म्स क्या हो जाएगा जीरो, यानी x की वैल्यू क्या आई हमारी 5। एंड इफ x प्लस टू इक्वल टू जीरो सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस टू, आ रहा है समझ में स्टूडेंट्स। अब देखो x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू माइनस टू दो वैल्यू आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितना है 2 और जीरोज भी हमारे कितने आए, सॉल्यूशन कितने हैं इसके 2, यानी आंसर हमारा क्या हुआ हैंस आंसर क्या है 5 एंड माइनस 2, 5 एंड माइनस 2 दिस इज द आंसर। ओके स्टूडेंट्स नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फर्स्ट था, ओके आई होप नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड, थर्ड क्यों बताया जा रहा है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स आप लोग कन्फ्यूज जाते हो रूट को देख करके। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में थर्ड क्या है रूट में है, ठीक है तो थर्ड लेते हैं हम लोग। अब थर्ड में क्या लिखा है अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। तो रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो, क्लियर। अब यहाँ पे क्या बताया गया मेथड, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, चेक कर लो ये भी सही है ना ऑर्डर में एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर बिना एक्स के हैं, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो रूट टू एक्स स्क्वायर इंटू फाइव रूट टू, तो रूट टू से रूट टू का मल्टीप्लाई होगा तो टू हो जाएगा इंटू फाइव दैट मीन्स टेन एक्स स्क्वायर, प्लस है प्लस यानी यहाँ क्या आया प्लस आया, ठीक यानी प्लस टेन एक्स स्क्वायर। तो क्या बताया गया था अभी अगर यहाँ पे प्लस आता है तो हमें क्या करना है इसका जो फैक्टर्स होगा उसमें एडिशन होगा, तो यहाँ पे इसका फैक्टर वही होगा टू और फाइव। तो अब हमें देखना है यहाँ पे साइन क्या है प्लस है, अब दोनों को साइन क्या देंगे सेम साइन, क्योंकि प्लस का केस में जब दोनों साइन या तो प्लस हो तब प्लस होता है या तो दोनों साइन क्या हो माइनस हो तो उन दोनों में क्या होता है एडिशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा साइन क्या प्लस लाना है, तो यानी इन दोनों को हम साइन क्या देंगे प्लस टू एक्स और प्लस फाइव एक्स। रिजल्ट देख लो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है प्लस टेन एक्स स्क्वायर और इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पे क्या आ रहा है रिजल्ट प्लस सेवन एक्स। तो फैक्टराइजेशन करते समय ये आपको सॉल्यूशन करना कंपलसरी है, ये आप कर लो एनालाइज कर लो, डायरेक्टली आप करोगे तो भी कर सकते हो बट पहले आप स्टार्टिंग में ऐसे करो ईजी पड़ेगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिख लो क्या आ रहा है फिर इसका फैक्टराइज करके देख लो दो पेयर बना लो, पेयर बनाने के बाद फिर इसे सिंप्लीफाई करेंगे। चलो स्टूडेंट्स तो क्या मिला हमें रिजल्ट प्लस टू एक्स एंड प्लस फाइव एक्स। तो यहाँ पे अंडर रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव रूट टू, तो ये जो 7x था उसको दो टर्म में फैक्टराइज किया गया है स्प्लिट कर दिया गया है 5x प्लस 2x। चलो
इन दोनों में कॉमन क्या है? रूट टू फाइव, कुछ कॉमन नहीं है, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कॉमन है, तो एक्स कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा यहाँ पे? अंडर रूट टू एक्स प्लस यहाँ कॉमन क्या बच जाएगा? फाइव। ठीक स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इन दोनों में देखो कॉमन क्या निकलेगा, प्लस टू फाइव रूट टू एक्स, कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बट है कॉमन, क्या है कॉमन? यहाँ देखो टू है, यहाँ रूट टू है, तो हम टू को लिख सकते हैं रूट टू इंटू रूट टू, लिखा जा सकता है ना टू को रूट टू इंटू रूट टू, तो यानी यहाँ पे आपके पास टू में डबल रूट टू अवेलेबल है और यहाँ पे सिंगल रूट टू अवेलेबल है, दैट मीन्स इन दोनों में से कॉमन निकल सकता है क्या? रूट टू। अगर रूट टू कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा? यहाँ पे डबल रूट टू है ना, एक निकला, एक बचेगा रूट टू एक्स प्लस यहाँ पे क्या बचा? फाइव इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो चेक कर लो दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है या नहीं है, है? तो इसका मतलब सॉल्यूशन सही है आपका। अब इसे कॉमन निकाल लो, अंडर रूट टू एक्स प्लस फाइव, यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे? इफ रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव बाई रूट टू। एंड इफ एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो, सो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस रूट टू। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? फाइव बाई रूट टू एंड माइनस रूट टू। ओके स्टूडेंट्स, आया समझ में आप लोग को? नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट करेंगे थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है? फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? दो नंबर हैं जिनका सम 27 है और प्रोडक्ट कितना है? 182। तो मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, अगर फर्स्ट नंबर को हम लोगों ने एक्स माना है और क्वेश्चन में बोल रहा है कि नंबर का सम क्या है? 27, तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, होगा या नहीं होगा स्टूडेंट्स? अगर एक नंबर मान लो 4 है, दूसरा नंबर 6 है, दोनों का सम कितना हुआ? 10 हुआ। अगर आपको मालूम है कि एक नंबर 4 है तो दूसरा नंबर क्या होगा? 10 माइनस 4 दैट मीन 6, पॉसिबल है? तो यहाँ पे हमने मान लिया एक नंबर x, दूसरा नंबर मालूम करना है, मालूम करने के लिए क्या करेंगे? 27 में से x को माइनस करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा, कंसिडर कर लिया। तो एक नंबर यानी पहला नंबर हमने क्या माना? x। सेकंड नंबर क्या हो गया? 27 माइनस x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर दैट मीन्स x इंटू 27 माइनस x इक्वल टू कितना है? 182। ओके 182 मल्टीप्लाई कर दो इसको, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182, ट्रांसपोज कर दो उधर, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू जीरो। अब इसे आपको फैक्टराइज करना है, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या सीखा है? फैक्टराइजेशन करने का, फैक्टराइजेशन मैथड सीखा है ना इसका, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं हम लोग, कैसे करेंगे? इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कर लें, क्या रिजल्ट मिल रहा है? प्लस 182 एक्स स्क्वायर। ये 182 इसको आप स्प्लिट करो दो नंबर में, जिसको ऐड करने पे क्या आना चाहिए? 27 आना चाहिए। तो 182 को स्प्लिट करते हैं, 182 टू से कैंसिल, 9 टू वन जो, ओके फिर किससे कटेगा? ये 3 से नहीं कटेगा, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 से कट सकता है, 7 वन जा 7, 7 3 जा 21 13। ओके स्टूडेंट्स, 2 7 13 ये इसके फैक्टर्स मिले। अब इसमें आप देखो लाना है क्या हमें? 27 माइनस 27 लाना है ना, बनाते हैं पेयर, 2 7
बना लो, 2 7 जाए कितना हो जाएगा 14, और ये 13, 14 और 13, अगर 14 और 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा 182, और 14 और 13 प्लस करोगे तो क्या मिल जाएगा 27। आसान है, आप इसे फैक्टराइज करके स्प्लिट करके बना लो, जितने भी नंबर्स होंगे उन नंबर्स को पेयर को मतलब क्या करना है आपको, अलग अलग दो सेट तैयार करना है उनके फैक्टर्स का, प्रोडक्ट का दो सेट तैयार करना है, जिसका मल्टीप्लाई करने में तो ये कन्फर्म आएगा, बट जो चाहिए रिजल्ट ये आना चाहिए। तो यहाँ बनाया हमने एक, इससे बना लिया और इससे बना लिया, अब इसे चेक करो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके, फिर इसको देखो ज़्यादा आएगा 27 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया 13 और 14। अच्छा चलो यहाँ पे क्या लाना है हमें, माइनस लाना है, तो यहाँ पे प्लस करना है दोनों को, दैट मीन्स दोनों का साइन क्या होगा माइनस, क्लियर है। तो यानी हमारा नंबर जो होगा वो माइनस 14x और माइनस 13x, माइनस 14x माइनस 13x, माइनस माइनस दोनों सम यानी प्लस हो जाएगा, तो माइनस 27 बन जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा, और 14 13 मल्टीप्लाई करने पे ये क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा x, क्या बचा x माइनस 14, इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा, जनरली मालूम है कि प्रोडक्ट है तो 13 निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। अब एक जो पेयर बना x माइनस 14 का और दूसरा बना x माइनस 13, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बारी बारी लेके चलते हैं इसको, इफ x माइनस 14 इक्वल टू 0 सो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 14, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 13। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या मिला हमारा, आंसर अगर एक नंबर 14 होगा तो दूसरा कितना होगा 13, और अगर पहला नंबर 13 होगा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 14, दिस इज द आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो इस तरीके से, नोट कर लो इसको। अब ऐसे क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है आप होमवर्क के लिए नोट कर लो, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है करना, जो नहीं आएगा पूछ सकते हो, ठीक है, होमवर्क नोट कर लो। ओके स्टूडेंट्स, बाय।